हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ बायोलॉजी का चैप्टर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर्स को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर्स को हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सो चैप्टर 7 इज कम इन टू द बायोलॉजी, चैप्टर्स नेम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, क्लास 10 बायोलॉजी का ये चैप्टर 7 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड से रिलेटेड भी, और इसके अलावा इससे क्वेश्चंस जो हैं होम एग्जामिनेशन से भी में भी बहुत आते हैं। ठीक है, डायग्राम्स बहुत हैं इस चैप्टर में, और उस डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, साथ साथ हमें नोट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर्स की। स्टार्टिंग करते हैं स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट में चेंज होना जिससे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? स्टिमुलाई है जिस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। हीट पर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, कोल्ड पे रिस्पॉन्स करते हैं, ठंडी जगह होती है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं, जैसे बर्फ पे रख रहा हुआ हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो कोल्ड क्या हो गया? स्टिमुलाई हुआ, और हमने हाथ हटाया वो हमारा क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ। इस तरह हम साउंड में भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, स्मेल में रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? जिस पर हम रिस्पॉन्स करें वो क्या होता है? स्टिमुलाई। ये एक तरीके की एनर्जी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मूवमेंट पे अपना रिस्पॉन्स करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं? फॉर ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मेनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। क्या ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करें, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है? ठीक है, तो वो होता है केमिकल सब्सटेंस से, कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स, जो कंट्रोल, क्योंकि प्लांट्स में कोई भी ऐसे और ब्लड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहें या फाइटो हार्मोन्स कहें, एक ही बात है। ओके, ये देखिए, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने सीखी, स्टिमुलाई भी सीखा और कोऑर्डिनेशन भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर ए प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स, बहुत सारे जो प्रॉपर रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, जितने भी स्टिमुलस होते हैं, कई ऑर्गन्स मिल के साथ काम करते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो कोई, और जैसे कि लाइट पड़ रही, लाइट क्या हो गई? ये स्टिमुलस हो गया, लाइट किसी भी स्ट्राइक हुई और हमारी आँखों में पड़ी, तो हमारी आँखों में क्या गया? आइज हो गए, और ब्रेन, दोनों ऑर्गन मिल के साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ जो है न्यूरॉन भी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कोऑर्डिनेशन। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके हेल्प से होता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से होता है। ठीक है, दो सिस्टम पाए जाते हैं। द नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और नर्व्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये पास करते हैं थ्रू द सेंसरी नर्व्स। किसके हेल्प से करते हैं? सेंसरी नर्व्स से। ये देखिए, 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स इन द आइज टू डिटेक्ट लाइट। ये आइज में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ओके, जो कि डिटेक्ट करते हैं लाइट को। फोनो रिसेप्टर्स होते हैं इन द ईयर्स। कहाँ पाए जाते हैं? ये ईयर्स में पाए जाते हैं, टू डिटेक्ट साउंड। ये क्या डिटेक्ट करते हैं? साउंड को। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं इन द नोज टू डिटेक्ट स्मेल। ये नाक में पाए जाते हैं और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं इन द टंग टू डिटेक्ट टेस्ट। और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ये टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं इन द स्किन टू डिटेक्ट टच। ये टच को रिसेप्ट करते हैं। ये सब क्या है? सेंसरी नर्व्स होती हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सेंसरी नर्व्स हैं, ये पास करने काम करती हैं, रिसेप्टर से ये कनेक्ट होती हैं। ठीक है,
सेंसरी नर्व्स जो होती हैं ये रिसेप्टर से कनेक्ट होती हैं हर ऑर्गन्स में, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स, नोज़ में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, और टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स और स्किन में टैंगो रिसेप्टर्स। ओके, इफेक्टर्स क्या होते हैं? आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्स टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स, ठीक है। तो जो इफेक्ट करता है, जहाँ पे वो रिस्पॉन्स करता है, उसको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? आर नर्व्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से जो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम करती हैं, ठीक है, टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम सेंसरी नर्व्स कहेंगे। मोटर नर्व्स क्या होते हैं? आर नर्व्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स, ब्रेन से जो मैसेज लेके नर्व्स जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड या इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स तक, उसको हम क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स, ठीक है। इन तीनों को ध्यान से देख लेना है। इफेक्टर्स वही होते हैं जो मैसेज को इफेक्ट करते हैं, यानी जो ऑर्डर रिसीव करते हैं। आर द मसल्स, जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं, ब्रेन उसको ऑर्डर देता है, जैसे हम फूड खा रहे हैं, तो फूड जो हम खा रहे हैं वो किसके ऑर्डर से खा रहे हैं? ब्रेन के, है ना, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है। तो वो मैसेज कौन लेके आ रहा है हमारे हैंड तक? वो लेके आ रहे हैं मोटर नर्व्स, और जो हमारे हैंड को क्या बोलेंगे? इफेक्टर्स बोलेंगे। तो इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं विच रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू द मोटर नर्व्स, किसके थ्रू से? मोटर नर्व्स के थ्रू से। ओके, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, ठीक है, और मोटर नर्व जो है ब्रेन से इफेक्टर या ग्लैंड्स तक जाती हैं, ठीक है। तो सेंसरी नर्व्स आर नर्व्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर से यानी सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, जबकि मोटर नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से, यानी ये अपोजिट होती हैं सेंसरी नर्व्स के। आर नर्व्स विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स, ये जो है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक मैसेज पास करने का काम करती हैं या कैरी इन्फॉर्मेशन करती हैं। ये देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से ये पूरा नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला होता है, ठीक है, इसमें ब्रेन होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जबकि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में कॉन्सिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि राइज होती हैं ब्रेन से, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो राइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। डायग्राम में देखिए ब्रेन से जो अराइज हो रही है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। टुगेदर दे कॉल द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये चीज़ होती हैं, और सारी जितनी भी नर्व्स होती हैं वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स, ठीक है, इस तरह से ये देखिए इस तरह से आ रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होंगी उसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, और जो ब्रेन से अगर अराइज होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये सब क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, और ब्रेन से निकलेंगे तो उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इस तरह से दोनों कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है जो मिडिल में आ रही है, बैकबोन के बीच में पाई जाती है येलो कलर की, और ये ब्रेन जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में देखिए क्रेनियल जो है, ठीक है, सेंट्रल है, पेरीफेरल ऑटोनोमिक, ठीक है। तो ये देखिए नर्वस गो फ्रॉम योर ब्रेन टू योर आइज, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से आइज तक जाती हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये देखिए नर्व सेल है, हम न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, जिसको हम नर्व्स भी कहते हैं या नर्व सेल कहें। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट हैज़ अ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन, इसमें सेल बॉडी होती है जिसको हम साइटोन कहेंगे, कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एंड साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, इट हैज सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इसमें कई सारे ब्रांच स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है, इसमें एक लॉन्ग नर्व फाइबर होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं,
विच इज़ कवर्ड बाई ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग कार्ड माइलिन, जिस क्योंकि माइलिन शीट से ये कवर्ड होता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरोन इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है, तो जो जंक्शन होते हैं बीच के उसको साइनेप्स बोलते हैं, दो न्यूरोन के बीच में गैप होता है। मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेज, द डेंड्राइट्स रिसीव द इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स ए केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच पासेस थ्रू द एक्सॉन, ठीक है। तो जो भी मैसेज पास होना होता है, जैसे हम आई से देख रहे हैं, तो वो एक जितनी भी लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहेंगे, जस्ट लाइक ये करंट की तरह होता है, ठीक है। तो वो हल्का होता है, हमको महसूस नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से होता हुआ साइटोन में जाता है सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन को पास होता है थ्रू द साइनेप्स, ठीक है। बीच में गैप पाया जाता है, ठीक है, उस गैप में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शंस होने के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में पास हो जाते हैं, और ये होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो भी जानी होती है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, मुझे होती है। तो ये नर्व सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी में ये फैली होती हैं, ठीक है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, देखिए डायग्राम में दिया हुआ, डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, इसके बीच में न्यूक्लियस दिया हुआ है, एक्सॉन, ये डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। माइलिन शीथ है उसके चारों तरफ जो एक्सॉन पे कवर्ड होती हैं, नोड ऑफ रेनवियर बीच के गैप को बोलते हैं ये, ठीक है। स्क्वेडेंस सेल्स होती हैं, ठीक है, ये बीच में, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक्सॉन टर्मिनल्स लास्ट में जो है एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, जो कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन से हैं ये कनेक्ट होते हैं, डेंड्राइट जो होती हैं वो रिसेप्टर सेल से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन, ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम बनाने के लिए आता है और इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स, देखिए ट्रांसमिशन होता है मैसेज का डेंड्राइट से, ठीक है, बीच में साइनेप्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जहाँ पे मैसेज जो है वो केमिकल रिएक्शंस पे चेंज हो जाते हैं और अगले डेंड्राइट्स उसको कैच करता है, ठीक है। तो बीच में दो गैप्स पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, इलॉक, देखिए बीच के गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये देखिए साइनेप्स, ओके, एक्सॉन इलॉक है, ठीक है, एक्सॉन है, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से केमिकल रिएक्शंस। तो ये पोस्टर साइनेप्टिक सेल्स होती हैं ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज अ प्रोटेक्टिंग बाय द क्रेनियम, ये प्रोटेक्ट किससे होती है, क्रेनियम से प्रोटेक्ट होती है। इट इज अ कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मिनाइंस फिल्ड विद ए फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये थ्री मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को शॉक्स से। द ब्रेन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, ब्रेन तीन पार्ट्स होते हैं, दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन तरीके के ब्रेन होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो कौन फोर ब्रेन जो होते हैं, कॉन्सिस्ट्स ऑफ द सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये थिंकिंग पार्ट होता है फोर ब्रेन। उसके बाद कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, जितने भी सोच समझ के जो काम किए जाते हैं वो फोर ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, etc, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो फोर ब्रेन, ओके। तो ये ब्रेन जो है शॉक से भी बचाते हैं, इसमें देखिए ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो होता है, जो कि इसको शॉक से बचाता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मिड ब्रेन देखिए कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, आईज, और जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं हेड, नेक और आई के, वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हाइंड ब्रेन है कॉन्सिस्ट्स ऑफ सेरेब्रम, पॉन्स एंड मेड्यूला, तो इसमें सेरेब्रम, पॉन्स और मेड्यूला पाया जाता है, तीन पार्ट्स में बटा होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन का जो एक ही पार्ट होता है सेरेब्रम होता है, जबकि हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं सेरेब्रम, पॉन्स और मेड्यूला। हाइंड ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ सेरेब्रम, पॉन्स एंड मेडुला, सेरेब्रम में क्या पाया जाता है, देखिए कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर्स, ये कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट को सेरेब्रम, बैलेंस और पोस्चर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है, एक एक करके सारी पार्ट्स को देख लेने हैं, ठीक है। पॉन्स जो है कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, पॉन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, etc। तो मेडुला जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को,
सोलोइंग निकलने को, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, एटीसी, ठीक है, मेडुला इतना कंट्रोल करते हैं। तो ये ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं, इसको सारे पढ़ लेना है, ब्रेन के बारे में भी और इसके पार्ट्स के बारे में। तो तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक सिंगल पार्ट होता है जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, जबकि हैंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड को ध्यान से देख लेना है, जो कि शॉक से बचाता है ये, ठीक है, चोट लगने से बचाता है। तो ये फ्लूड पाया जाता है ब्रेन में अंदर। स्पाइनल कॉर्ड देखिए, द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम से आगे बढ़ती है। इट हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, इसमें 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक। इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, ये मैसेज जो है ब्रेन को भी ले जाती हैं और ब्रेन से आगे भी ले जाती हैं। इट आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जितनी भी अचानक काम किया होता है जिसके लिए हम सोचते नहीं हैं, वो काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ है, ही गर्म चीज़ को हम छू लेते हैं तो अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो उसका जो ऑर्डर है वो ब्रेन नहीं देता, उसका ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड देती हैं, ठीक है। बाद में मैसेज ब्रेन को पहुँचता है कि ऐसा हुआ था, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये देखिए, ये सर्विकल नर्व्स हैं, थोरेसिक नर्व हैं, ल्यूम्बर नर्व्स हैं, इस तरह से ये पार्ट में बटी होती हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि इसमें डिवाइड होती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर्स टू स्टिमुलस, ठीक है। एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग कोई गर्म चीज़ों को छू लेते हैं तो हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, ये इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके लिए हमने सोचा नहीं ज़्यादा, ठीक है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन, इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व्स होती हैं स्किन की, रिसेप्टर डिटेक्ट द हीट, ये हीट को डिटेक्ट करती है एंड पासिस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेंसरी नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाती हैं। देन द इन्फॉर्मेशन पास थ्रू द मोटर नर्व्स, तो मैसेज जो है रिस्पांस करने के लिए मोटर नर्व से आता टू द मसल्स, मसल्स तक, मसल्स को हम क्या कहेंगे, इफेक्टर कहेंगे, ऑफ द हैंड एंड वी विड्रॉ आवर हैंड, और अपने हम हाथों को हटा लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। ऐसे एक्शंस को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें रिसेप्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, साथ साथ सेंसरी नर्व्स का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का, ये तीनों ही मिलके काम करते हैं, ठीक। तो मोटर नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि मैसेज को लेके जाती हैं तेज़ी से, ठीक है। ये चौथी जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट से, ठीक है, और साथ साथ जो मसल्स, यानी मसल्स जो है इफेक्टर, ये पांचवा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, जो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यानी जो वे होता है। इन ए रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, यानी सेंस ऑर्गन, एंड इट पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व्स, ठीक है। ये पासेस करते हैं थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इन्फॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इन्फॉर्मेशन को पास करती है थ्रू द मोटर नर्व्स टू द इफेक्टर्स मसल ग्लैंड थ्रू द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने के लिए। ये देखिए, ये जो वे होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो वे होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। देखिए, स्टिमुलस जो है रिसेप्टर्स यानी सेंस ऑर्गन्स, उसके बाद सेंसरी नर्व्स, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर नर्व्स, और उसके बाद इफेक्टर्स यानी मसल ग्लैंड, देन इट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो होती है, तो इस वे को, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। हमने बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, ठीक है, और उस कोऑर्डिनेशन के लिए इसमें टिश्यू पाए जाते हैं। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, दे आर ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ये इतने हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, फाइव टाइप्स के हैं, तो इसको हमें देख लेना है, ठीक है। ऑक्सिन देखिए, ऑक्सिन पहला हार्मोन से हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन यानी सेल को डिवाइड करने में, एंड ग्रोथ और उसकी ग्रोथ करने में। जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस, ये ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं स्टेम और ब्रांचेस के। साइटोकाइनेंस हेल्प इन सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स,
और साथ साथ फ्रूट्स और सीड्स को भी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स ग्रोथ, ये इनहिबिट ग्रोथ को रोकती हैं। इफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को गिरने में हेल्प करती हैं। एथिलीन हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकने में एथिलीन हेल्प करता है, ठीक है, साथ साथ फ्लावर निकालने में भी। इस तरह से देखिए ये एक ट्री ग्रो है, ठीक है, इसमें अगर टिप पे ही पाया जाता है ऑक्सिन, ठीक है, इस तरह से। तो ये हार्मोन्स होते हैं बहुत ही, ये देखिए टिप पे पाया जा रहा है ऑक्सिन हार्मोन, जो कि सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन करने में हेल्प करता है, रूट स्टेम और लीफ तीनों की, ठीक है, और ग्रोथ करने में हेल्प करता है ऑक्सिन, ओके, ये जो होती है सेल एलोंगेशन ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन्स देखिए उसके पीछे पाया जाता है, ठीक है, तो जिब्रेलिन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, स्टेम और ब्रांचेस की में ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। साइटोकाइनेस जो होते हैं सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये फॉर्मेशन करते हैं, सेल डिवीजन में भी करते हैं और फ्रूट्स और सीड्स में फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम इन शॉर्ट ABA भी लिख सकते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड इन शॉर्ट कहेंगे इसको ABA, ओके, तो ABA क्या बनेगा, एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तियों को गिरने में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उस लीव्स में आ जाते हैं और फिर ये गिर जाते हैं, जिससे जो ट्री होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है, हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकाल जाते हैं थ्रू द लीव्स बाय द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड हार्मोन, है ना। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी अनलिमिटेड ग्रोथ को रोकता है, ये काम करता है, ठीक है। तो एथिलीन एक गैस की तरह होती हैं जो हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो कि एक हार्मोन्स के रूप में प्लांट में रहती हैं, ठीक है, हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर निकलने में हेल्प करती हैं और फ्रूट्स के पकने में भी हेल्प करती हैं। ये पांच पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के, इसको अच्छे से देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, इससे क्वेश्चंस आते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशंस कैसे होता है, ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। हार्मोन्स पूछे जाते हैं प्लांट हार्मोन्स, तो 5 टाइप्स के हार्मोन्स हैं, आपको 1 by 1 वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक, तो ये 5 हार्मोन्स है, इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स आर 2 main types, दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स में, जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल्स होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ पर डिपेंड होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो ये ट्रॉपिज्म होते हैं, इसमें देखिए फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये 4 ट्रॉपिज्म हैं, इसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं स्टिमुलस के अवे, ठीक है, और ग्रोथ पर डिपेंड होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इट इज़ ए टुवर्ड्स लाइट, इट इज़ ए कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, जैसे कि सूरजमुखी का जो प्लांट होता है उसके स्टेम सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, ठीक है, इट इज़ अवे फ्रॉम द, और उसके बाद जो है इट इज़, इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द लाइट इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर ये अवे होगा लाइट के उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, तो रूट जो है वो लाइट से अवे दूर जाती हैं, इसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। जियोट्रॉपिज्म देख लीजिए, इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, इफ इट इज टुवर्ड ग्रेविटी इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जो कि ग्रेविटी के की ओर जाएगा उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसे कि डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स, इट इज अवे ग्राउंड ग्रेविटी इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जो स्टेम होते हैं वो ग्रेविटी से अपोजिट जाते हैं तो उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट इसका एग्जाम्पल है। कीमोट्रॉपिज्म देखिए, इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस, एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब होती हैं वो ओव्यूल की तरफ जाती हैं केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, इसको हम कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर, ठीक है, तो जब प्लांट के रिस्पॉन्स में वो जाती हैं रूट्स, ठीक है, इसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। कीमोट्रॉपिज्म देखिए, इस तरह से कीमोट्रॉपिज्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। अब देखिए ये नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स विच आर नीदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, और इस पर ग्रोथ भी कुछ नहीं होती है, ठीक है,
एग्जाम्पल इफ़ यू टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा पुडिका भी कहते हैं, इट्स लीव फोल्ड अप एंड ड्रूप्स डाउन इमिडिएटली ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स इट स्वेल्स और श्रिंक्स। ठीक है, तो ये वाटर पे डिपेंड होता है कितनी है उसमें, अगर श्रिंक्स हो गए इसको वाटर ये लूज कर देता है तो ये श्रिंक्स हो जाती हैं। तो हमें लगता है ये, तो ये किसके इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है टच मी नॉट का प्लांट, जिसको हम इन साइंस लैंग्वेज में क्या कहेंगे, हम मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो ये प्लांट जो है जैसे ही टच करते हैं हम लोग, ये फोल्ड करता है अपनी लीव्स को, इस मूवमेंट में ना तो ग्रोथ हुई ना ही डायरेक्शंस हुआ, तो इससे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, हम नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लेना ध्यान से। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, या तो टॉपिक मूवमेंट्स पूछा जाता है या नास्टिक मूवमेंट, या भी दोनों एक साथ भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मूवमेंट को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और जितना भी पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए फिर से वीडियो को चला के स्टार्टिंग से। ठीक है, और चैप्टर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड से रिलेटेड भी और होम एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी। ठीक है, तो डायग्राम प्रैक्टिस जरूर करिए, इसमें ब्रेन के डायग्राम हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम हैं। ठीक है, और जियोट्रॉपिज्म से लेके फोटोट्रॉपिज्म, जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं आपके इन एनसीईआरटी बुक में, उससे आप लर्न कर लीजिए। और थैंक यू।